कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू न्यू डे न्यू व्लॉग। आज के ट्रिप में आप सभी लोगों को दोबारा से वेलकम हो चुका है हमारे चैनल हैंड इन व्लॉग में। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ को, और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वो भी आपने शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हमारी एक मुर्गी है जो कि हमारी तो नहीं है बल्कि हारिस की है, पर चलो हमारी ठीक क्योंकि हम दोनों सेम ही हैं। तो फिर हम दोनों की एक ही, अरे कहना क्या चाहते हो, मुर्गी है ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज जो है आज मुर्गी को लिए अंडे लेके आते हैं बाहर से, खूबसूरत खूबसूरत नस्ल के अंडे लेके आते हैं, और देखते हैं हम विज़िट करते हैं मार्केट जाते हैं और देखते हैं, अगर हमें मिलती है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, और नहीं मिलती तो चले कोई बात नहीं, फिर जो हमारी गंजी मुर्गी अंडे दे रही है उन्हीं को जोड़ के ना तो इनके नीचे रखते हैं। एक गंजी मुर्गी का अंडा था तो वो मैंने उसके नीचे रखा है, तो वो अभी थोड़ा बहुत ठीक है। ये कंडीशन मैं आपको बता दूँ तो मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। माशा ये देखें, ये देखिए बिल्कुल ब्रूडी हुई हुई है, कोई इसमें ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, बिल्कुल माशाल्लाह खूबसूरत है और ये बिल्कुल ब्रूडी है। और एक अंडा इसके नीचे रखा है तो अभी ये वो उठ ही नहीं रही, तो फूल रही है बार बार और बार बार आवाज़ें निकाल रही है, जिसकी वजह से मैं इसके नीचे से अंडा नहीं उठा पा रहा। देखिए अभी तक हारिस नहीं आया, उसने डाला नहीं है, बाकी ये थोड़ा बहुत तो है, चलो खा लेती है, पानी भी है। अभी यहाँ देखा है यहाँ किसी की लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई हो रही है इसकी, ये मुर्गी बहुत ज़्यादा मारती है उस पट्ठे को, इसको कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा, ये मुर्गी को बहुत ज़्यादा ना हुआ है, हर किसी को मारती है, इसके लिए ऐसी मुर्गी लानी पड़ेगी जो इसके टक्कर की हो। ये लोग हैं जो हमेशा से बस यहाँ पे गंद फैलाना और ये सब इनका काम है। एक दफ़ा आप देखें, आपको लग रहा है ना इसके हाथ नहीं है, ये देखिए किस तरह लेटा हुआ है, अल्लाह पता ही नहीं चल रहा है इसके हाथ भी हैं कि नहीं, ऐसा लग रहा है कटे हुए हैं। ये उन लोगों की, हमारे किराएदारों की चूज़ी है जो कि उन्होंने हमारे वहाँ रखवा दिया, इसकी जो मदर नहीं थी जो आप हमारे पुराने ब्लॉग्स में देखते थे उसकी डेथ हो गई है। आपको और चीज़ बतानी है जो कि हमारी छत की सेटिंग, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। 2-1 ये देखिए गाइस, यहाँ के जो सारे पौधे थे मैंने उठा के ना यहाँ से सारे वो उधर रखती हैं, वो देखिए वहाँ उस साइड पे सारी वहाँ पे ग्रीनरी कर दिया, क्योंकि जितने भी सारे पौधे छोड़े थे ना यार थोड़ा बहुत गंद रह के वो मैं साफ़ कर दूंगा, बाकी यहाँ देखें आप सारे पौधे यहाँ पर ला के रख दिए, यहाँ पर ला के रख दिए, मतलब वहाँ पर अब बिल्कुल ये वाली छत खुली होगी, और इधर जो है मैं सारे अपना एनिमल्स का सेटअप करूँगा जो जो एनिमल्स होंगे, और यहाँ पर जो एक खुडला बना हुआ था इस जगह पर उसको हमने शिफ्ट कर दिया इस साइड पे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत, हम लोगों ने खुद भी बना लिया, तो इसमें भी हम लोग चाहें तो कुछ ना कुछ रख सकते हैं। गाइस लगता है हारिस के रैबिट्स का ना दाना बिल्कुल ख़त्म हुआ है, तो उसको भी बुलाना पड़ेगा और उसे कहना पड़ेगा कि आप अपने यहाँ रैबिट्स को दाना पानी डालें, तो फिर जो है ना आपके रैबिट्स खा पियेंगे। को मैं इसलिए अभी नहीं खो रहा, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ना मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है और हम भी गर्मियों से तड़प रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी इनको नहीं खो रहा, बाकी अभी खोलेंगे। मैं एक और चीज़ ले आऊँ, पता है अभी हम लोगों ने अंडे लानी है, तो अब आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, मैंने बोला नहीं, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी हम लोग अंडे लेने जा रहे हैं जो कि अच्छे अच्छे नस्ल के, तो फिर ये अब अपनी मुर्गी के नीचे रखेंगे, फिर जो है वो अपने बच्चे निकालेगी छोटे छोटे, और अभी इसकी जगह भी डिसाइड करेंगे कि इसको कहाँ को रख बिठाना है। यहाँ पे थोड़े बहुत ना पानी नहीं इनको मिला हुआ, तो ये भी इनको दिखना पड़ेगा, क्योंकि पानी देना बहुत ज़रूरी है। हमारा मोतिया का एक दफ़ा पौधा देखिए बहुत ही बड़ा हो गया, माशाल्लाह जायंट हो गया, खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर हमारे कुछ लीमू निकले हुए हैं, वो भी आपको फोकस करके दिखाते हैं हम, ये देखें ये माशाल्लाह ये हमारे लीमू, और पूरा ये लीमुओं से भरा हुआ, ये देखिए यहाँ पर भी लीमू, और हर जगह तो इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन सभी को पानी देते हैं अभी अच्छे से। अभी चलते हैं और फिर देख के आते हैं, हम देखते हैं कि हमें मिलते हैं अंडे के नहीं, तो अभी पैदल ही जाना पड़ेगा, बाइक जो है हमारे पास नहीं है। आपको कह रहे थे कि हम लोग अंडे लेके आएंगे पर वो नहीं मिले हमें, हम लोग बड़ा विजिट करके आए हैं, तो अभी जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हारिस जो है ना वो लेके आ चुका है बाजरा, तो अभी हम इसको डालते हैं, इसके ये खुद डालेगा अपने रैबिट्स को बाजरा, मुर्गी को दूर करो डंडे से, अपने रैबिट्स को दाना डालो। देखिए मैंने अपने सारे जानवरों को खोल दिया, कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, हमारा फाइटर बफी फ्लफी तो चलो मर गई है, हमारी ये चूजी जो आपको बताया हमारे पास थी उसकी मदर डेथ होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये रैबिट चिट्सी विट्सी सब कुछ अब ये जिंदा है, और बाकी कितना सेहत याब है। वो देखिए गाइस वहाँ से वो देखो वो निकल गया, चले गाइस ये देखिए यहाँ से सुराख में से बाहर निकल के गिर जाएगा, मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा ना सुराख बंद किए हैं। गाइस देखिए गंदा पानी पी रहे हैं, इससे बेहतर पिए ही ना, इससे पहले बीमारियां हो जाएं इसके मुर्गे को, हारिस के, हारिस का मुर्गा गंदा पानी पी रहा है। ये
साफ सुथरा पानी डाल दिया और पिजन्स को भी साफ सुथरा पानी डाल दिया, तो अब ये साफ साफ पानी पी रहे हैं। देखिए माशाल्लाह हमारे पिजन ने अभी तक कोई ब्रीड नहीं दी ना अंडे दी। ये गंदा पानी चेंज कर लेते हैं, तो 1 2 3 हारिस के रैबिट्स को भी हारिस ने पानी और दाना डाल दिया और मैंने भी अपने जो है मुर्गियों को साफ पानी और दाना, तो वैसे ही साफ था। तो फिर ये मुर्गियां दाना नहीं गंदा करती, हमेशा पानी गंदा करती है। देखिए मैंने आपको सही से दिखाया नहीं है वो वाला सेटअप, तो आपको मैं दिखाता हूँ हमारा नर्सरी सेटअप ही कह लो, क्योंकि यहाँ सारे के सारे पौधे हैं। और देखिए ये हमारे सारे पौधे जो कि अभी थोड़े डैमेज, जब हमने ज़मीन पर रखे एलोवेरा थोड़ा वर्किंग में, तो फिर भी इसको ज़मीन में रखे क्योंकि जगह थोड़ी बहुत कम थी इन स्टैंड में, तो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा खुले खुले होकर रहना। तो यहाँ पर देखे कनेर, यहाँ पे सारे पौधे जो फ्लावरिंग पौधे हैं ना जो अच्छे ग्रोथ में चल रहे हैं उनको इस लाइन में लगाया है, जो बस ऐसी खूबसूरती हैं और थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं तो वो यहाँ पर लगाए हैं। और बाकी आपको पता है फाइकसों का तो ये ऐसे ही लगे रहते थे, इनका इतना ज़्यादा इशू नहीं है कि यहाँ पर करो तो वहाँ पर करो। और ये इन पौधों में भी अब कुछ कुछ नया ला के लगाना है, इस गमले में भी, इस गमले में भी, इसको भी और अब इसको भी, बहुत सारे पौधे हैं जो कि अभी डैमेज है उनकी जगह शिफ्ट करना है उनको। यहाँ पर हमारे सारे जानवर देखे कितने अच्छे लगे, तो अभी मैं नीचे से लेके आता हूँ वो क्या नाम है, जो क्या नाम है दाना पानी, तो वो क्या नाम उसे कहते हैं टमाटर वगैरह लेके आता हूँ। मैं देखता हूँ नीचे पड़े हैं तो इनको रोटियां वगैरह डालते हैं, तो मैं जाता हूँ अभी। एक एप्पल मिला तो इसी कट कर लेते हैं। एंड गाइस बिल्कुल कट हो चुका है हमारा ये क्या नाम है इसको क्या बोलते हैं एप्पल, एन एप्पल डे कीप डॉक्टर अवे। तो अभी जो है हम इसको डालेंगे सारे जानवरों को और ये शौक से खाएंगे। 1 2 3 गो, टूट पड़ो टूट पड़ो टूट पड़ो। सारे जानवरों को दाना पानी डाल दिया, इन जानवरों को भी, हारिस के मुर्गियों को भी और हारिस के रैबिट्स को भी, मैंने अपने पिजन्स को भी सबको बंद भी कर दिया। बाहर थोड़ी बहुत अरबियाँ पड़ी थी वो खिलाई हैं, थोड़ी बहुत वो दीगर जो चीज़ें होती हैं वो खिलाई हैं और काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने खाई हैं और पेट वगैरह उनके बाहर निकल आए हैं सबके, माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाया इन लोगों ने। तो अभी फिर व्लॉग को एंड करते हैं, इसको ढकते हैं पहले। चलें गाइस ये सारा बंद हो गया, तो अभी चलें व्लॉग को एंड करते हैं। कह रहा मेरी मम्मा बुला रही हैं तो मुझे घर जाना, तो चलो ठीक है आरिस आप जाओ बाय बाय। फिर ये चला जाता है तो मैं तो व्लॉग को एंड कर देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने सारे जानवरों को बंद कर दिया, सारे कुछ किया। और आज हमारा जो टॉपिक था कि हम लोग एक ब्रूडी हैन के नीचे एग्स रखेंगे, पर वो हमारा प्लान कामयाब ना हो सका क्योंकि हमारे पास अब बाइक ही नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि हम लोग इतनी मेहनत से गए पैदल, ने हारिस को कहा भी कि ले आते पर कहता नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता। फिर वो हम लोगों ने कहा और वहाँ पर जितने लोगों से हम कह रहे हैं वो सारे कह रहे हैं कि अंडे जो हम आपको दे देंगे पर वहाँ पर जो है ना उसके अंदर से बच्चा नहीं बनेगा। भी चला गया सारे, अब कोई आई नहीं छत पर, मैं अकेला हूँ। तो अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में और एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।